अगर धरती माँ बड़ी है तो शेषनाग के फल क्यों पड़े, है ना? अगर शेषनाग बड़ा है तो भोलेनाथ जी के गले में क्यों पड़ा? सांचे दरबार की चलेंगे आगे आगे अगर शंकर कहे कि मैं तो पहला सफर पथ पर क्यों पड़ा? अगर कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो हनुमान ने कहा जी कौन बड़ा है? हनुमान जी आपने ताली लगाई जोड़ पक्का जी हाँ जी। अगर हनुमान कहे कि अगर भगत कहे कि मैं बड़ा तो प्रभु चरणों में क्यों पड़ा? अगर प्रभु कहे कि मैं बड़ा तो धरती बदल दे। कौन बड़ा हो गया हो गया? फंसते जाना होगा लास्ट में दसना था कौन बड़ा। हाँ जी कौन बड़ा हो गया? माँ अम्मा जी को भी जोर लाता माँ सबसे बड़ी है लेकिन कौन सी माँ? धरती माँ। धरती माँ तो पीछे रह गया। बताओ कौन बड़ा है? सबसे बड़ी है हमारी माँ जिसने हमको जन्म दिया पाल उसके पकड़ उस माँ के लिए जोर लाता है। ठीक है पहली बात तो ये सबसे बड़ी हुई हमारी माँ। माँ के माता पिता दोनों बड़े हैं दोनों का बराबर ही होता है लेकिन जन्म देने वाली माँ सबसे बड़ी उससे बड़ी ये शेरों वाली माँ इसके भजन कीर्तन हो रहे हैं मासराम की स्तुति की जोर दिलाई जा रही है। एक बड़ा ही प्यारा भगत जब चलेंगे ध्यान देना एक बड़ा ही प्यारा भगत जब दाती मैया के चरणों में जाता है एक अरदास करते हैं जब मेरी शादी हो जाएगी ना मैं भी आपका जिक्र करता हूँ। ठीक है बड़ा ही प्यारा भगत था माता रानी के चरणों में और वो मां अम्मा जी सुनी तुझे चापी का बड़ा भारी मिंजो ना तेरी क्या भले हो है के तिजोरी भी चापी लग गई मिंजो का है ना जी। तो उसकी मां इस मां से क्या कहती है जरा गौर फरमाना ना। वो मां उस लड़के की मां इस मां से क्या फरियाद करती है गौर फरमाना क्या कहती है? जग का जन में तो पूजे हुए हैं और खुद की जननी को सताते हैं सोने के किसी को ये समझ आई बात जो मैंने बोली हाथ उठाएगा जिसे को समझ आई है नहीं आई समझ समझ नहीं आई आपको क्या? अब ध्यान से सुन लेंगे दोबारा से नहीं करेंगे। एक लड़का है उसकी माँ है ठीक है वो माँ इस माँ से क्या कहती है गौर फरमाइए। ठीक है जगत जननी को पूजते हैं यह माँ मेरा बेटा बिना भी पूछता है लेकिन मुझे पूछता भी नहीं। ठीक है ठीक है जगत जननी को पूजते हैं खुद की जननी को सताते हैं माँ के सर से जब जीने जब मुझे सोने के मेरा बेटा मेरे को पूछता है लेकिन मुझे पूछता नहीं पति ना सोने इतना चढ़ाएगा घर में अगर अपने माँ बाप रो रहे हो ना और हम जाग ना आ जाए तो हमारे आने का कोई फायदा माता पिता रुष्ट होते और हम जितनी मर्जी कर लिया है रुष्ट ही रहना सब कुछ ठीक है। ठीक है तो चलेंगे प्यारी सी हाजिर हाजिर कहते ना पहाड़ी बच्ची पहाड़ी गल्ला सभी लोग अपने पहले तो खड़े हो जाएंगे नाचने वाले समझ आ रहा है जिस जिस जगराते
मेरा भाई है यहाँ आर्मी में ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन हुआ, मैंने ज्वाइन हुआ भाई, कब लगी अपनी भाई साल हो गए, वो यहाँ आ जाएंगे लोग, मेरा भाई है कहाँ है, यहाँ आ जाएगा दरबार में। जिस इस भगत को ये खुशी है कि ये लड़का आर्मी में गया है, देश की सेवा कर रहा है, बहुत बड़ा हो जाएगा भाई भी आएगा, सभी लोग नाचेंगे, तो घर वाले खड़े हो जाएंगे, सभी लोग नाच गा के हाजिर हो जाएंगे, मेरा भाई है, इसकी अभ्यास को लेकर सरकार में हमें और क्या कहेंगे, वो बेटा पहले जिस जाग